my dear class 9 students, this is your biology class and I, your biology teacher, welcome you all in this amazing online lecture series from Sanskaram Group of Schools. Dear students, as you all know, we are discussing our chapter tissue. Tissue chapter mein plant tissue complete kar diya hai, animal tissue last class mein shuru kiya tha, epithelial tissue usme humne complete kiya tha. Aaj us epithelial tissue ki ek variation hum study karne ja rahe hain. वेरिएशन का मतलब क्या है कि उसी का एक टाइप है जो स्किन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी. इसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मस्कुलर टिश्यू. तो हमारे दो टिश्यू कंप्लीट हो जाएंगे, एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यू. दो एनिमल टिश्यू बचेंगे, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू. सो मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 लेक्चर्स में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो बच्चा अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम. स्पेशल टाइप का मतलब क्या है? कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. अब इससे आप क्या समझते हो? देखो, हर वर्ड का अपना एक मतलब है. मैंने आपको बताया था स्किन में होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लास्ट क्लास में, कि स्क्वेमस सेल्स हैं, फ्लैट डिस्क लाइक सेल्स हैं, मल्टी लेयर्ड में अरेंज्ड हैं. यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया मैंने, कैरेटिनाइज्ड. इसका मतलब क्या है बेटा? कि कैरेटिन प्रेजेंट होगा इन सेल्स के अंदर. दीज सेल्स आर फिल्ड विद कैरेटिन. कैरेटिन एक स्पेशल प्रोटीन है जो हमारी हेयर में, स्किन में, नेल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, तो बेसिकली देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, कि अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, 5 अलग अलग लेयर्स में वो अरेंज्ड हैं. अगर मैं बात करूँ तो ये 5 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ दो जगह. एक तो आपके पाम्स में जो हथेली होती है, दूसरा सोल ऑफ फीट जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे. अदरवाइज बॉडी की जितनी भी बाकी जगह है वहाँ पे सिर्फ आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स दिखेंगे. ठीक है, वो मैं बताऊँगी कौन सी लेयर नहीं होती है. शुरू करें तो सबसे नीचे आपको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. कोई भी एपिथेलियम टिश्यू हो, मैंने बताया था, सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे. बेसमेंट मेम्ब्रेन से जैसे ही ऊपर देखते हैं तो कोलमनर जैसी सेल्स की एक लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटम बेसल. स्ट्रेटम बेसल क्या है? ये वो लेयर ऑफ सेल्स है जहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगे और ऊपर की तरफ माइग्रेट होती जाएंगी. मतलब इससे ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं उन सेल्स को बनाया इसी लेयर ने है. ठीक है, इस लेयर की सेल्स डिवाइड करेंगी और नई जो सेल्स बनेंगी वो ऊपर की तरफ चलती जाएंगी. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाई जाती हैं कैरेटिनोसाइट्स, जो कैरेटिन बनाने वाली सेल्स हैं वो, प्लस मेलेनोसाइट, जिन सेल्स के अंदर मेलेनिन बनता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर होता है. तो ये जो मेलेनोसाइट और कैरेटिनोसाइट हैं वो इसी लेयर में पाई जाती हैं. ठीक है, इससे ऊपर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम. इससे ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? स्ट्रेटम स्पाइनोसम. इस स्पाइनोसम का काम क्या है बेटा? ये लेयर प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ से सेल्स बनी वो आके इस लेयर में आ गई. मतलब ये नई नई बनी हुई सेल्स हैं, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स. फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. इससे जैसे ही ऊपर आओगे स्ट्रेटम ग्रैन्यूलोसम. इस ग्रैन्यूलोसम के अंदर बेटा सेल्स के अंदर कैरेटिन बनना अब शुरू हो गया है. सेल्स के अंदर कैरेटिन की फॉर्मेशन शुरू हो गई है और जब सेल्स कम्प्लीटली कैरेटिन से फिल हो जाएंगी तो सेल्स विल बिकम डेड. सेल कैसी हो जाएंगी? दे विल बिकम डेड. सो यहाँ पे क्या शुरू हो गया बेटा? कैरेटिन का फॉर्मेशन. तो ग्रैन्यूलोसम लेयर याद रखेंगे कि कैरेटिन की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है यहाँ पे. इससे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम. इससे जस्ट अबव लेयर क्या है? इट इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम. ये सिर्फ हैंड और सोल में पाई जाती है हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए. बाकी बॉडी की स्किन को टच करोगे और यहाँ पे जो पाम की स्किन को टच करोगे देयर विल बी अ कंसिडरेबल डिफरेंस. ये थोड़ी सी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम.
और सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कंटिन्यूअसली रिमूव होती रहती हैं। ठीक है, तो सारी लेयर्स के फंक्शन समझ में आ गए। सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ब्लड वेसल और नर्व की सप्लाई। पहली लेयर है स्ट्रेटम बेसल, जो डिवाइड करके नई सेल्स बनाएगी। यहाँ पे केराटिनोसाइट्स होंगे और मेलानोसाइट्स होंगे। उससे ऊपर प्रेजेंट है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। उससे ऊपर ग्रैनुलोसम, यहाँ पे केराटिन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। देन कम स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ल्यूसिडम में क्या होगा बेटा, ये सिर्फ हैंड और सोल में प्रेजेंट होती है, जो पाम और सोल के अंदर हार्डनेस प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे अपर लेयर है ऑफ डेड सेल्स। ऑलराइट, ओके, देन मूविंग अहेड, अब हम शुरू करेंगे अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये वो टिश्यू है बेटा जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल्स का फंक्शन क्या है, मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मैं अपने हैंड को मूव करवा पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरा हैंड मूव कर रहा है। ठीक है, मैं कुछ बात कर पा रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, वो क्यों, क्योंकि मेरी टंग की मसल्स हेल्प कर रही है मेरे टंग के मूवमेंट में। तो बॉडी में जितने भी आप मूवमेंट देखते हो, दे आर ड्यू टू मसल्स। सो मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स। सबसे पहली चीज, मस्कुलर टिश्यू बना हुआ है मसल सेल्स से, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू का काम है ये बोन्स के मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मूवमेंट है उनमें हेल्प करेगा। मसल सेल के अंदर बेटा कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मदद करते हैं मसल्स के मूवमेंट में। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, एक्टिन, मायोसिन, ये दो नाम याद रख लेना अगर रह जाए तो, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो मसल के अंदर पाए जाते हैं, दे विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। अब मसल सेल्स को बेटा तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके फंक्शन के बेसिस पे। सबसे पहली है स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल्स। व्हाट आर दीज स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल्स? स्ट्राइशंस या जो स्ट्राइटेड वर्ड है ये आया स्ट्राइशन से, जिसका मतलब होता है बैंड। मतलब इनको जब आप देखोगे तो इनके ऊपर आपको कुछ लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देंगे। इन मसल्स के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, सम लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स। तो इनका अपीयरेंस कैसा आता है, दे गिव ए स्ट्राइटेड अपीयरेंस। दूसरा, स्केलेटल मसल क्यों कहा गया है, बिकॉज दे आर अटैच टू द स्केलेटन, बोन्स के साथ अटैच्ड हैं बेटा और बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, दीज आर वॉलंट्री मसल। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा वॉलंट्री मसल। वॉलंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में है बेटा, हम जब चाहेंगे तो मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं मूव करेंगे। बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो वो मूवमेंट पहली चीज़ इनकी वजह से तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये मसल्स कैसी हैं, वॉलंट्री हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में है। मैं अपना हैंड मूव कर पा रही हूँ, अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव करूँगी, अपने आप तो नहीं मूव होगा। मैं बात कर रही हूँ, मेरी टंग मेरी विल के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं हो रही। सो जो मेरी टंग में मसल्स हैं, जो मेरे हैंड्स में मसल हैं, लेग्स में मसल हैं, दे आर स्ट्राइटेड मसल्स, बिकॉज वो कैसी हैं, दे आर वॉलंट्री। इनके बारे में एक बात है बेटा, ये मसल्स बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बट बहुत जल्दी थक भी जाती हैं। आपने देखा होगा किसी दिन अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हो तो मसल्स जो है दे गेट फटीग्ड, उनमें पेन होने लग जाता है, फिर उनको थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत जल्दी कर लेती है, बट ये उतना ही जल्दी थक भी जाती है। अगली चीज़ है बेटा, ये सेल्स, ये जो मसल सेल्स हैं ये कैसी हैं, मल्टी न्यूक्लियर, यानी इनमें आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। डायग्राम देख सकते हो, ये कुछ बैंड्स बना रखे हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बना रखा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा अपीयरेंस आता है स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल का। स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पाई जाती हैं बेटा, लिम्स यानी कि हैंड्स एंड लेग्स में, फेस में, नेक में, ठीक है, टंग और अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में। मैंने बताया टंग मूव कर पा रही है बिकॉज यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स हैं। अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस मतलब यहाँ तक का पार्ट ऑफ फूड पाइप। आप यहाँ तक फूड के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि कब आप फूड स्वेलो कर रहे हो, कब नहीं कर रहे। इसके बाद आप नहीं रोक सकते, अगर एक बार आपने फूड स्वेलो कर लिया उसके बाद यू कैन नॉट स्टॉप इट, है ना, बट यहाँ तक रोक सकते हो। तो यहाँ तक क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, स्ट्राइटेड मसल्स। कमिंग टू नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स मतलब इनका अपीयरेंस कैसा होगा बेटा, स्मूथ, इनके ऊपर आपको कोई स्ट्राइशंस या बैंड्स दिखाई नहीं देंगे, नो स्ट्राइशंस या बैंड्स, सबसे पहली चीज स्मूथ इन अपीयरेंस। यूनिन्यूक्लिएट, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। इनवॉलंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स कैसे हैं बेटा, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू आर विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं आपको बात बताती हूँ, जब भी आप सनलाइट में बाहर होते हैं तो आपकी आईज का प्यूपिल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट जो है आई के अंदर एंटर करे, रेटिना पे कम लाइट जाके हिट करे। बट अगर आप उसी कंडीशन से एकदम किसी डार्क रूम में आ जाते हो तो कुछ देर तक आपको चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस वक्त आपका प्यूपिल जो है वो बिल्कुल छोटा हो गया था धूप की वजह से, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वापस आपका प्यूपिल थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आपको चीज़ें नॉर्मली दिखाई देने लग जाएंगी उस डार्क रूम में। तो ये इस प्यूपिल का छोटा होना, बड़ा होना, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसको कंट्रोल करती है सीलियरी मसल्स जो आई में प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज आर अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल। आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि प्यूपिल को कब आपको डायलेट करना है, कब छोटा रखना है। दूसरा, फूड का मूवमेंट मैंने बताया, यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते, वो अपने आप स्टमक में जाएगा, अपने आप इंटेस्टाइन में जाएगा, आप नहीं रोक सकते उसका मूवमेंट। तो वहाँ पे भी कैसे मसल्स होंगे बेटा, स्मूथ मसल्स। अच्छा, यूरिन का मूवमेंट, ठीक है, तो यूरिनोजेनाइटल जो ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी, स्मूथ मसल्स। ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स की वॉल में भी स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल मेनली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट में नहीं होती, हार्ट में एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती बेटा, मेनली जो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी हैं वहाँ पे। इनके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप रिलैक्स होती, बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है इनकी, इसीलिए इतना टाइम लग जाता है डार्क रूम में आने के बाद वापस नॉर्मली चीज़ों को देखने में, क्योंकि ये बेचारी बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, ऐसा इनके साथ नहीं है, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए क्या है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर गई, लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, तो फटीग जैसी चीज़ यहाँ पे कम ही होती है, ओके। दूसरा, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। थर्ड टाइप इज बेटा कार्डियक मसल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स जो पाई जाती हैं कहाँ पे, इन वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट में पाई जाएंगी। ये बेटा दोनों की कैरेक्टर शो करेंगी, स्मूथ मसल के भी और स्ट्राइटेड मसल के भी। स्मूथ मसल के कैरेक्टर क्या शो कर रही है, एक तो कि स्मूथ मसल के जैसे ही ये इनवॉलंटरी है, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, दे आर इनवॉलंटरी का मतलब क्या है, हार्ट बीट देखो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी हार्ट बीट को, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, दिस कार्डियक मसल, हार्ट बीट करता है इन कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो इनके वर्किंग को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स वाई दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। इसलिए मैंने लिखा है शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल। स्ट्राइटेड मसल की क्या कैरेक्टर है बेटा, इन पे भी आपको कुछ हल्की हल्की स्ट्राइशंस या बैंड्स देखने को मिल सकते हैं, हल्के हल्के बैंड्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। प्लस दो मसल सेल्स के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, दो कार्डियक मसल सेल्स के बीच में एक कनेक्शन होता है जो मैसेज को यहाँ से यहाँ ले जाएगा और इम्पल्स जो मैसेज आ रहा है उसको फास्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैसेज को ट्रेवल करने में कौन हेल्प कर रही है, दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। कार्डियक मसल्स का एक कैरेक्टर है बेटा, दे नेवर गॉट फटीग, ये कंटिन्यूसली काम करती रहती है, जब तक एक इंसान जिंदा है उसका हार्ट बीट करता रहेगा। हार्ट बीट किस वजह से कर रहा है, इन कार्डियक मसल्स की वजह से। सो कार्डियक मसल्स, दे नेवर गेट फटीग्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ा, एंड वी स्टडीड अबाउट मस्कुलर टिश्यू, तीन टाइप की मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। सबकी आपको लोकेशन पता होना चाहिए, वॉलंट्री है इनवॉलंट्री है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो आई होप आपको मस्कुलर टिश्यू समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।